इसके अंदर भाई अपन ने आज ये बनाए इसमें DRL, तो ये थोड़ा सुभाष भाई बताएंगे इस बारे में। और ये जो अपना लाइट वाइट के अंदर टोटली लाइट का ये काम कंप्लीट कितने हो जाएगा LED मिला के? अच्छा, हमें पहले कंपनी में पता करा 50,000 का खर्चा बताया। अच्छा, तो भैया ने कहा कि इतना क्यों खर्च करना, अपने थोड़े पैसे लगाओ, हम यही बना देंगे। रिचित ऑटो फोल्ड ORVM इंस्टॉल हो गए हैं इसके अंदर। जरूर लगेगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ECU में कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, किया चेक करा लो चाहे तो। कोई दिक्कत हमारा क्या डिमांड था, जो कुछ अलग करो, कुछ अलग करो, कुछ अलग करो। ठीक है, आज हमने पूरा बकेट सीट कवर, ठीक है, पिलर, स्टीयरिंग कवर, आर्मरेस्ट, डोर पैनल पूरी कस्टमाइज कर दी, सब बनाए, एक एक करके दिखाता हूँ। और अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छे से काम है। तो हम बहुत डर के आए यार कि पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा दूर से। हम YouTube की वीडियो देख के आए यहां पे। अच्छा, लॉक दबाएंगे तो आप लोगों का ये ऐसे इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा, और अनलॉक दबाया तो आपके खुल जाएगा, चिपकता है, चिपक जाता है, फिटिंग गारंटी है इसकी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी भैया 5 साल तक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर किसी को ये हटवाना हो उतर भी जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, सेम टू सेम। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत कार्स। आज सामने ऐसी गाड़ी खड़ी हुई है, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा ये गाड़ी है तो है कौन सी। आज मैं आप लोगों को किया सोनेट के अंदर एक जबरदस्त चीज दिखाने वाला हूँ, बहुत सारे लोगों को ये चीज पसंद भी आने वाली है, और कहीं ना कहीं इस वाले मॉडिफिकेशन को करवाने के बाद आप अपनी गाड़ी के अंदर नाना करते करते 48 से 50 हज़ार रुपये बचा सकते हो। क्योंकि आप ये देख रहे हो, जो लाइट देख रहे हो सामने, इसके अंदर भाई ये अलग से DRL आफ्टर मार्केट इंस्टॉल हुई है। हालांकि इसके लिए जो ओनर है उनकी परमिशन रहती है कि हाँ भाई कर दो, और इसके ऊपर जो डुअल साइड ही प्रॉपर अच्छे से पैकिंग करते हैं तो लगभग 1 साल की इसकी वारंटी भी देते हैं। हालांकि आगे वीडियो में सुभाष भाई को बुलाएंगे, तो वहाँ पे सुभाष भाई को बुला के प्रॉपर इस चीज़ के बारे में और डिटेल में आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी देखो इस गाड़ी के अंदर क्या कुछ होने वाला है वो चीज़ आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखो, सोनेट के अंदर सिंगल हॉर्न सेटअप आता है, तो यहाँ पे भाई डुअल हॉर्न सेटअप कर रहे हैं सबसे पहली चीज़, क्योंकि अब इन्होंने पता नहीं किया वालों को क्या बुखार चढ़ा इन्होंने। भाई पहले क्या होता था इस गाड़ी के अंदर ना, एक हॉर्न इधर की तरफ रहता था, मुंह नीचे की तरफ करके एक हॉर्न इधर की तरफ रहता था। अब भाई इन्होंने देना बंद कर दिया, अब ये सिर्फ सिंगल हॉर्न देते हैं, और इसका मुंह नीचे की तरफ इसलिए लगाते हो कि जैसे बारिश का टाइम है ना, तो इसमें पानी वानी ना जाए, खराब वराब ना हो। वैसे होता नहीं, पर फिर भी एक सेफ्टी पर्पज से। तो पहली चीज़ इसके अंदर ये डुअल हॉर्न सेटअप इंस्टॉल हो रहा है, आपको सुनाऊंगा, बढ़िया आवाज़ रहने वाली है, 1,200 रुपये की आइटम रहती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती है। सेकंड चीज़ इसके अंदर भाई लाइट के अंदर प्रॉपर LEDs तो लगेंगी, LED भी लगेंगी ना अभी इसके अंदर, वो रही लो भाई, भाई LED लेके आ गए, ये रही कॉपर ट्यूब वाली JRON की, ये रही भाई LED, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मैं बाहर डब्बे पे दिखाता हूँ। ये रही भाई कुछ ऐसी LED रहने वाली है, 220 वोल्ट की LED रहेगी, 2 ईयर्स की वारंटी है, कॉपर ट्यूब के अंदर भाई ये रहेगी, प्रॉपर कुछ ऐसा डब्बा है, पढ़ लो जो आपको पढ़ना रोक के पढ़ सकते हो। और LED के अंदर इंस्टॉल होगी, और DRL तो बना ही दिया, जिसके अंदर इनबिल्ट इंटीग्रेटेड इंडिकेटर भी रहता है, ठीक है ना। और फ्रंट के अंदर तो मेन बेसिकली यही काम होने वाला है, बाकी आगे चलते हुए आपको दिखाता हूँ। दूसरी चीज़, ऑटो फोल्ड ORVM इंस्टॉल हो गए हैं इसके अंदर, 12,500 रुपये दो, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल अनफोल्डेबल ORVM लेके चले जाओ, वो भी किसके साथ में, लॉक अनलॉक के साथ में भी फोल्ड अनफोल्ड होने वाला है। बाकी साइड प्रोफाइल के अंदर जैसे कि लोअर विंडो गार्निश हो गए, यहाँ पे क्रोम एलिमेंट, यहाँ पे ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी, क्रोम डोर हैंडल्स, लोअर विंडो गार्निश जैसे कि मैंने बताया, और ये आप लोगों के रेन वाइजर सोनेट की ब्रांडिंग के साथ में। और ये ऊपर की तरफ कुछ इस गाड़ी के अंदर ना भाई डिफरेंट कलर का इंटीरियर होने वाला है, और तब आपको दिखाऊंगा भी पूरा कंप्लीट होने के बाद। एंड साइड के जो डोर पैनल है, अगर देखोगे तो भाई कुछ इस कलर के अंदर इसमें रैप करे हैं, और अब इसके अंदर भाई सॉफ्ट टच भी कर रखा है, आप लोग ये चेकआउट करो, इसमें सॉफ्ट टच भी हो जाएगा, जब आप लॉन्ग ड्राइव पर जाओगे तो मज़ा आएगा, मतलब कम्फर्ट रहेगा। एंड उसी के साथ यहाँ पे देखोगे तो एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल कर दिया, सामने की साइड में चेकआउट करो, डुअल साइड आप लोगों को यूनो मिंडा की डैम्पिंग देखने के लिए मिलने वाली है, और अच्छी खासी गर्मी में भी पिघलती नहीं है, गेट काफ़ी हैवी हो जाते हैं। देखो थोड़ा साउंड सुना देता हूँ, साउंड से हल्का फुल्का आइडिया लगा लेना, ये देख रहे हो भाई, ये गेट के अंदर हैवीनेस आ जाती है, तो डुअल साइड इसके अंदर डैम्पिंग कर दिया, रोड नॉइस हो गई, बाहर की अननेसेसरी शोर शराबा हो गया, और सारी चीज़ें नहीं सुनाई देंगी। एंड इसका प्लेट्स देखने के लिए मिलेंगी सोनेट की, प्रॉपर डाई वाली, आप लोग एक बार फ्लोरिंग चेक कर लो, अभी सीट नहीं लगी है तो आप लोगों को अच्छे से दिखा देता हूँ, ये चीज़ करवा लेना। और बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे प्राइस, तो प्राइस भी एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, ये क्रोम एलिमेंट के जो सामान रहते हैं, ये कोई चीज़ 1,000 के, कोई 1,500 के, कोई 2,000 के, कुछ ऐसा रेट रहता है, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, एक्यूरेट प्राइस वहाँ से पता कर लेना। 1,000-1,500 रुपये के बढ़िया सीट कवर लगा लो, और अगर आप लोगों को थोड़ा और अच्छी चाहिए तो और भी ज़्यादा के लग सकते हो, और बजट कम है थोड़ा कम में भी आप लोग देख सकते हो। अब एक बार आप लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए दिखाता हूँ, यहाँ पे ये पीछे के डोर देखो, ये कुछ ऐसे रहने वाले हैं, बढ़िया नज़र आ रहे हैं, और ये कुछ आगे का हो गया, थोड़ा डिफरेंट कलर है, और पूरी ब्लैक कलर में कार रहेगी। और प्लस इस गाड़ी के अंदर जो इसके पैनल्स हैं ना, ये देखो, ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर, ये भी पूरे बने हैं, अभी ये जो आपको निशान दिख रहे हैं सब साफ हो जाएंगे इसके अंदर प्रॉपर। भाई यहाँ पे पूरी भाई आपको देखो थ्रेड देखने के लिए मिलेगी, और ए बी सी पिलर भी इसके अंदर कम्प्लीटली हुए हैं। वीडियो के अंदर ये कलर ना आपको थोड़ा सा लाइट लग रहा होगा, फीका फीका सा लग रहा होगा, बट रियल लाइफ में अच्छा लग रहा है कलर। ये इसके अंदर जो भाई स्टॉक मिरर आते हैं वो इसके अंदर से उतार दिए हैं, ये उतार के इसके अंदर ऑटो फोल्ड डाल दिए हैं, और ये डब्बे वगैरह पड़े हुए हैं पीछे की तरफ, इसके अंदर पार्सल ट्रे भी आ जाएगी। एंड अगर से नीचे करोगे तो इस वाले मॉडल के अंदर भाई कैमरा लग के आता है, और कनेक्टेड टेल लैंप भी इसके अंदर, जहाँ तक क्या होगी नहीं होगी तो लगा देंगे। अच्छा हाँ,
कनेक्टेड टेल लैंप हो सकती है इस वेरिएंट के अंदर, अगर एच टी के ओ होगा तो। हाँ तो ये मुझे लगता है एच टी के ओ है, तो इसके अंदर कनेक्टेड टेल लैंप आपको मिल जाएगी। ये प्रॉपर भाई ने कर दिया बढ़िया वाली फ्लोरिंग, और ये जो आप देख रहे हो सारे मतलब आपकी ये एम्बेंट लाइट का बॉक्स हो गया छोटे वाला, और ये बड़े वाला हो गया आप लोगों का ऑटो मिरर फोल्डिंग का, मतलब ये जो आप लोगों के मिरर से इनको फोल्ड अनफोल्ड के लिए। एंड इस वाले वेरिएंट के अंदर आप लोगों का देखो क्रूज कंट्रोल नहीं आता है, वो भी इंस्टॉल हो गया है। एंड इधर की तरफ आप लोगों को स्टे माउंटेड कंट्रोल और ये स्क्रीन स्क्रीन सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती है। अभी इसको पूरी कंप्लीट होने दूंगा तब आप लोगों को और अच्छे से डिटेल में दिखाऊंगा क्या कुछ इस गाड़ी के अंदर काम हुआ है। और स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी रैप होगा, देखो यहाँ पे धागा पड़ा हुआ है, अभी ये पूरा कंप्लीट रैप हो जाएगा तब वो दिखा दूंगा। एंड थोड़ा सा आप लोगों को सीट कवर भी दिखा देता हूँ, ये देखो कुछ ऐसे सीट कवर रहने वाले लोगों को दिन में दिखा रहा था, ब्लैक कलर की किया सोनेट एच टी के ऑप्शनल वाली, ये देखो ऊपर सनरूफ वाली। इसके अंदर भाई अपन ने आज ये बनाए इसमें DRL, तो ये थोड़ा सुभाष भाई बताएंगे इस बारे में। तो सुभाष भाई क्या अपडेट है DRL का? DRL भी लगाए इसमें हमने, ठीक है आपका जैसे कंपनी से आती है सेम उसी क्वालिटी भी वहीं से DRL लगाए हैं एक बार DRL ऑफ ऑन करके दिखाओगे इससे आपको देखो ये पता चलेगा DRL कितने ज्यादा ब्राइट है। ये भाई ऑफ हो गए, ये देखो DRL काफी ज्यादा ब्राइट है, इसमें देखो इंडिकेटर भी है, राइट साइड का इंडिकेटर दिया राइट जल गया, इधर का देना इधर का इंडिकेटर दिया इधर का जल गया। इसके अंदर आप लोगों को इंडिकेटर और LED DRL वगैरह दोनों चीजें देखने के लिए मिलते हैं। तो सुभाष भाई वैसे ब्राइट काफी ज्यादा है ना, जितना दूर से देखो उतना तेज रहेगी भैया, और अगर इसे कोई दूर से देखेगा तो धोखा भी खा सकता है। टॉप मॉडल वाली है, टॉप मॉडल लगती है भैया, सेम टॉप मॉडल वाली लग रही है। देखो यहाँ से पूरी आपकी शुरू हो रही है, ये पूरी यहाँ तक जा रही है, ब्राइटनेस काफी ज्यादा है। तो इसके अलावा लाइट में और क्या करा है? हमने 220 वाट की LED लगाई है, हाई बीम लो बीम। अभी आप ये क्या जला रखी है आपने? ये लो बीम चेक करो, अब हाई बीम करना काफी तेज है, और पासिंग मारना। ओ भाई साहब लाइट तो बहुत तगड़ी लगा दी है इसके अंदर सुभाष भाई। फ्रंट में स्प्लिटर भी लगाई है, देखो भाई स्प्लिटर ये चेक करो इसके अंदर में एक्सटेंड हो जाता है बम्पर थोड़ा सा आगे को। ये चीज आपको ना इतना मतलब वीडियो में समझ में आए या ना आए, बट रियल लाइफ में देखोगे ना गाड़ी काफी यहाँ से ना आगे को बड़ी बड़ी हुई भी लग रही है आप लोगों को। और उसके अलावा स्प्लिटर कितने का लगा रहे हो? ये स्प्लिटर कितने का लगा रहे हो? 45 का। और ये जो अपना लाइट वाइट के अंदर टोटली लाइट का ये काम कंप्लीट कितने का हो जाएगा? LED वेलिडी मिला के 16 सारा कंप्लीट हो जाएगा है ना। और LED भाई डिपेंड करता है आपको कितने वाली लेनी है। पर्सनली अगर देखोगे ना भाई सामने से, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, बढ़िया काम हो गया है। अब बहुत सारे लोगों को सुभाष भाई लाइट खुलवाने का डर होता है, नहीं ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आएगी, पानी वानी कुछ नहीं जाएगी, कुछ नहीं जाएगी, मॉइस्चर वॉइस्चर कुछ नहीं आएगा। गारंटी भी तो दे रहे हो आप, कितनी? एक साल की। एक गारंटी किस चीज की? मॉइस्चर आने की या लाइट की? DRL की आएगी ही नहीं। अगर DRL आपकी एक साल में खराब हो या इसमें कुछ दिक्कत हो, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट, कोई रिपेयर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सीधा रिप्लेसमेंट। पर ये सालों साल चलने वाली चीज है, ओल्ड शेप सोनेट में बहुत बनाई थी हमने, है ना, ठीक है। रेन वाइजर आ गया, लोअर विंडो गार्निश, लोअर गार्निश आ गई, हैंडल क्रोम, साइड बडिंग, स्प्लिटर साइड में देखो भाई आप लोगों को स्प्लिटर देखने के लिए मिलने वाला है कंप्लीट। ये आपने बताया 4500 में तीन पीस आते हैं, 5500 में 500 पीस, अच्छा सारी चीज का, ठीक है। अब भाई मुद्दे की चीज भाई आप लोगों को इसके अंदर जो चीज मिसिंग रहती है, ऑटो फोल्ड ORVM, ये अनलॉक दबाया, अच्छा लॉक दबाएंगे तो आप लोगों का ये ऐसे इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा, और अनलॉक दबाया तो आपके खुल जाएगा। और इसके अंदर हॉर्न भी चेंज करा है, मैं दिन में दिखा रहा था, लॉक लॉक अनलॉक करने पे डुअल हॉर्न जो दोनों बजेंगे, ये देखो लॉक हो गई और ये गाड़ी आपकी अनलॉक हो गई। तो ये आइटम कितने में लगा रहे हो सुभाष भाई? 12500 में कॉस्ट करता है, और जिसमें आप मिरर का, उसके बाद जो रिले वायरिंग स्विच है वो अलग, वो अच्छा ठीक है। और उसमें एक चीज और दिखाएंगे जरा खोलना भाई आप लोग, ये देखो ओरिजिनल जो आप लोगों का गत्ता रहता है उसी के अंदर ये अपनी फिटमेंट आ जाती है इसकी, प्रॉपर कंप्लीट एडजस्टमेंट वगैरह सब हो गई है। देखो यहाँ पे आपके इसे कुछ एडजस्टमेंट होगी, ये देखो भाई चेक करो, फोल्ड अनफोल्ड भी होगा अंदर से, हो गया फोल्ड कर रहा है अनफोल्ड, और जरा एडजस्टमेंट करके दिखाओ जरा, राइट लेफ्ट चलाना तो नीचे ऊपर हो गया पूरा, नीचे पूरा ऊपर, ओरिजिनल किया का नया शीशा रहता है पेटी बैग, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और इसके अंदर भाई आपको एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, जैसे सुभाष भाई ने एडजस्ट कर दिया, आप अगर इसको देखोगे इसकी कटिंग भाई इस वाले मॉडल के अंदर आपको मिल जाती है, क्योंकि शीशे के अंदर से एडजस्टमेंट आती है भी मिल जाती है, पर ये हाथ से कटिंग करके देते हैं, पर आपको बिल्कुल OEM फिटिंग वाली देखने के लिए मिलेगी, पता भी नहीं चलेगा आपने बाहर से करवाई है, तो ये एक चीज़ में बढ़िया रहने वाली है। और क्या कर रहा है सुभाष भाई इसके अंदर बाहर? फिर इंटीरियर देखेंगे, स्पॉइलर लगाया भाई, ये यूनिवर्सल आफ्टर मार्केट होता है, कौन सा होता है? ये यूनिवर्सल होता है भाई, ये देखना कितना बड़ा लग रहा है, आप लोग एक बार चेकआउट करो, मिलते भी नहीं, स्क्रू से लगती है, स्क्रू से प्रॉपर अच्छे से टाइट हो जाता है ये, इस तरीके से लगाया स्पॉइलर। कितने का लगा रहे हो स्पॉइलर? स्पॉइलर भैया 4500 का। ये प्रॉपर पीछे से बड़ा सा आ रहा है, अगर कोई अलॉय अपग्रेड करा रहे ना बड़े से तो और सही लगेगा। कनेक्टेड टेल लैंप है,
नहीं और बाकी लोगों के लिए मिल जाएगा, लेकिन ऑर्डर पे ही आती है। कितने का दे दोगे? 9,500 का दे देंगे। बेस टू टॉप पे ठीक है। तो भाई 9,500 की आपको टेल लैम्प भी दे देंगे बेस टू टॉप कराने वालों के लिए। और पीछे इसके अंदर रिफ्लेक्टर वगैरह इसने अभी मॉडल में आया नहीं है, इस मॉडल में नहीं आया है। बाकी इंटीरियर में चलते हैं, इसका बहुत धमाकेदार इंटीरियर बनाया आपने सुभाष भाई। इस कलर का क्या नाम होता है? इसका नाम है पर्सन ग्रीन कलर है ये। कौन सा? पर्सन ग्रीन। पर्सन ग्रीन पर ये कुछ भाई अलग ही है वीडियो के अंदर ना। कस्टमर का डिमांड था जो कुछ अलग करो, कुछ अलग करो, कुछ अलग करो। ठीक है, आज हमने पूरा बकेट सीट कवर, ठीक है, पिलर, स्टीयरिंग कवर, आर्मरेस्ट, डोर पैनल पूरी कस्टमाइज कर दी, सब बनाए। एक एक करके दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये सबसे पहले इसके बना दिए सीट कवर। ये वीडियो के अंदर ना आपको थोड़ा लाइट कलर, मतलब वीडियो में ना कलर थोड़ा सा हल्का दिख रहा है, पर रियल लाइफ में हल्का सा डार्क है इससे। तो ये इसके अंदर पूरे प्रॉपर बकेट वाले सीट कवर बनाए सबसे पहले, और विद एयरबैग वाले, विद एयरबैग वाले रहने वाले हैं। ये आर्मरेस्ट हो गया, स्टीयरिंग कवर भी हो गया। ये चेक करो भाई, स्टीयरिंग व्हील हो गया सेम उसी कलर में। साइड के डोर पैनल, साइड के जो डोर पैनल है इसके अंदर भी आपके यहाँ पे सॉफ्ट टच कुशनिंग कर दी है, और थ्रेड वगैरह बिल्कुल इक्वली चलने वाला, और इसमें एम्बिएंट लाइट भी लगाई है। और क्या क्या हुआ इसके अंदर सुभाष भाई? ये भाई हमने इसमें क्रूज कंट्रोल भी इंस्टॉल करी है। नहीं क्रूज नहीं, उससे पहले इसमें बताओ ना, सीट कवर, सीट कवर से आर्मरेस्ट है, स्टीयरिंग दिखा दिया, डोर पैनल दिखा दिया, पिलर है आपका 6x6 तक भाई। पिलर चेक करो, ये हो गया आपका ए पिलर। तो सुभाष भाई किस चीज से चिपकता है ये? ये सर अपना फैब्रिक से, उससे वो स्टिक से चिपकता है, वो स्टिक से चिपक जाता है। फिटिंग गारंटी है इसकी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी भैया 5 साल तक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर किसी को ये हटवाना हो उतर भी जाएगा पहले जैसा हो जाएगा सेम टू सेम। और भाई पीछे के पिलर भी चेक कर लो, उसके अंदर प्रॉपर स्टिचिंग मिलेगी, सेम चीज इधर मिलेगी। तो 1, 2, 3, 4 और 2 पीस इधर के 6 पीस, ये कितने का हो गया होगा इसके अंदर ये सारा काम भैया? ये टोटल इंटीरियर का खर्चा आपका आता है 17,500-18,000 इसमें, जिसमें कि आप सारे पिलर करोगे, पिलर करेंगे, सीट कवर देंगे, एयरबैग वाले, आर्मरेस्ट देंगे, स्टीयरिंग कवर देंगे, दरवाजा सॉफ्ट टच करेंगे, सब करेंगे। ठीक है यार, इतना तो ठीक है, मतलब 15-17,000 रुपए जो आप कह रहे हो इसमें आप सब करके दोगे। कपड़े की क्वालिटी भी सबसे टॉप क्वालिटी, टॉप क्वालिटी है बिल्कुल, प्रॉपर दिक्कत ही नहीं आएगी। ये चीज तो नजर आ रही है, चीज़ और फिटिंग भी देख लो, कहीं से एक भी रिंकल नहीं आएगा। हाँ, फिटिंग सबसे, भाई सबसे टॉप के सीट कवर होते हैं, ना कोई रिंकल आएगा ना कहीं कुछ होगा। ये देखो पीछे की सीट भी देख लो भाई, बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया वाली फिटिंग आएगी। तो सबसे पहले इंटीरियर में तो ये काम हो गया सीट कवर्स वाला, ठीक है। और कुछ लोग अगर ये रूफ ब्लैक करवाते तो ये भी हो जाती है ना, ठीक है, वो चीज भी हो जाती है। अगर आपको सॉफ्ट वाला जो कपड़ा रहता है ना उसके अंदर भी इसकी रूफ ब्लैक हो जाती है। और उसके अलावा क्या करा हमने, नेक्स्ट चीज भैया नीचे फ्लोरिंग करी थी, नीचे डाई वाली फ्लोरिंग मैंने दिन में दिखाई थी भाई आप लोगों को, वाली है देखो, एक भी कहीं से बट नहीं आएगी फ्लोरिंग में, कोको डाइल वाली, ठीक है, चेकमेट वाली होती है, चेकमेट वाली अच्छे तरीके से इसके अंदर नीचे वो लगती है ना, वेलक्रो से चिपकती है, पर वेलक्रो आती ही बनी हुई है, वेलक्रो कोई वेलक्रो लगाते नहीं, सिली हुई आती है, सिली हुई पूरी आती है, सिर्फ पेस्ट हो जाती है, सिर्फ पेस्ट हो जाती है। और मस्त भाई इसके बाद पानी गिराओ, कॉफी गिराओ, कोल्ड ड्रिंक गिराओ, गीला कपड़ा मारो, साफ करो। उसके बाद हमने मैट डाल दिया भैया, ठीक है, इसमें देखो 70 जब फ्लोरिंग हो जाती है भैया तो कामयाब चीज नहीं है। अच्छा, हम प्रॉपर ये मैट डालते हैं, अगर फ्लोरिंग हो गई है तो भाई ये वाले मैट ज्यादा बढ़े, इसकी साइड की वॉल रहती है, फ्लोरिंग क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है कामयाब, 70 वाला फ्लोरिंग में पेस्टिंग होती है ना, रुक नहीं पाता होगा, ठीक है। उसके अलावा ये मैट कितने का लगा रहे हो? ये मैट भी हम 2550 और 70 वाला 2500 मतलब सेम ही रेट है, कोई फर्क नहीं है ना, 10-20-50 का फर्क है, वो कितना डिफरेंस नहीं है। उसके अलावा ये आइटम भाई निकाल के फेंक दिया, इसके जगह भाई आप लोगों को क्रूज कंट्रोल मिल जाएगी ओरिजिनल किया की, गियर नॉब लग रही है, गियर नॉब लगाना है वो, अच्छा तो ठीक है भाई, अभी इसके अंदर नहीं गियर नॉब लेगी, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। ये हो गया भाई आपका क्रूज, देखो सामने जैसे मैं क्रूज दबाऊंगा तो स्क्रीन में लिखाएगा क्रूज। तो सुभाष भाई क्रूज रूज लगाने में तार वार तो नहीं कटती? वायरिंग कहीं कोई कटिंग नहीं है भैया, प्रॉपर प्लग एंड प्ले है। बहुत सारे लोगों को ना डर रहता है कि क्रूज रूज लगेगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ईसीयू में कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, किया चेक करा लो चाहे तो, ठीक है। तो इसके अंदर भाई क्रूज लगा दे, क्योंकि ऊपर का मॉडल है तो इसके अंदर स्क्रीन स्क्रीन आती है। बेस मॉडल वालों के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है, डायमंड 2K वगैरह जो मर्जी हो। और ये जो लाइट है व्हाइट करिए, इसके क्या पैसे ले रहे हो? ये कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे लाइट व्हाइट जो है सब कॉम्प्लीमेंट्री रहती है। और भाई ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लाइट दोगे तो लाइट का थ्रू ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा बढ़िया वाला प्रॉपर। तो सुभाष भाई ऑलमोस्ट मुझे लगता है हमने सारे काम दिखा दिए इस गाड़ी के अंदर जो करा आपने, बिल्कुल भैया। तो कितने के बजट में सारा काम हो जाएगा इस गाड़ी में? ये जो अभी काम हुआ भैया आपका 80 के आसपास खर्चा है टोटल, 80,000 के आसपास का एक रफ आइडिया बता रहे हैं आपको इतना खर्चा है। हाँ डैम्पिंग मिरर विरर बेस मॉडल से ऊपर वाले एचटी के वो है, अगर बेस में अगर इतना काम कराते हो तो समझ लो स्टीरियो 4 स्पीकर सेंट्रल और कॉमन खर्चा अलग है, ये 4-5 चीजों का खर्चा अलग जुड़ जाएगा। सही बात है, इस वाले मॉडल में चीजें लग के मिल जाती है। इंटीरियर हुआ ना अलग ही हुआ है, अगर कस्टमर को और कोई कलर पसंद हो वो कलर भी हैंड रेडी टू हैंड मिल जाएगा। और एक बार अगर भाई से पास से देखोगे ना आप, जरा पास से चेक करो, कहीं पे कोई गूस्टिक नहीं छूटी उठी, कहीं पे कोई निशान नहीं है, कुछ नहीं है, फिटमेंट एकदम एक नंबर की आ रही है। अभी इसकी गियर नॉब चेंज होती है वो दिखाता हूँ। और उसके अलावा भाई अगर आप लोगों को सारा काम करवाना है तो आपको विजिट करना है सुभाष कार स्टूडियो पे, बढ़िया क्वालिटी में काम हो जाएगा आपका। तो गियर नॉब भाई इंस्टॉल करेंगे,
गियर नॉब चार्जिंग वाली रहती है जो, हिलाओ मत अभी भाई, ने हिलाने से मैंने भाई को रोक लिया। आपकी जब ये गियर नॉब स्टैंड बाय पर रहेगी तो इसकी लाइट बंद हो जाएगी, और जैसे इसको अब हिलाओगे तो इसमें लाइट जलेगी। जरा दिखाना जरा, ये भाई आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज है। अगर आपकी जैसे भी लाइट ऑफ हो गया भाई, कैसे चार्ज नहीं है, लगाओ लगाओ चार्ज पे लगाओ। तो भाई देखो ये जो आपकी किया है, ये इसके अंदर लाइट बंद हो जाती है थोड़ी देर में, वैसे पूरा टाइम जलती रहती है नहीं, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसमें सेंसर है, जैसे ये हिलेगा ना वैसे ही जलती रहेगी, और जैसे जैसे हिलेगा ना देखो वैसे वैसे कलर भी चेंज करती है। सात आठ कलर आता है इसके अंदर, ठीक है। ये आफ्टर मार्केट एक्सेसरी इधर लगा सकते हो, बढ़िया चीज है। और इधर ना टाइप सी का पोर्ट, और यहाँ से मस्त आपकी चार्ज भी हो जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। साथ में आफ्टर मार्केट चीजें लगवानी है तो लगवा सकते हो। बाकी अब आप लोगों को थोड़ा सा ओनर का फीडबैक बता देता हूँ। भाई देखो आप लोगों को जो मैं किया सोनेट दिखा रहा था ब्लैक कलर की, जिसके अंदर बहुत सारा बड़े बड़े काम हुआ, उस गाड़ी को ओन करते हैं भाई। तो भाई का थोड़ा सा रिव्यू पूछ लेते हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? प्रियांशु। अच्छा अंशुल। तो भैया कहाँ से आए हो आप? भैया मैं हरिद्वार से। हरिद्वार से आप दोनों भाई, हरिद्वार से आए हो। भैया आपका नाम क्या है? चित्रांश नाम है भैया। चित्रांश। तो भैया ओवरऑल कैसा फीडबैक रहा यहाँ का? बहुत अच्छा। और काम वाम कैसा लगा आपको? अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छे से काम। पहले तो हम बहुत डर के आए यार कि पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, दूर से हम यूट्यूब की वीडियो देख के आए यहाँ पे। अच्छा, हम देख रहे थे कि यूट्यूब पे काम हो रखा है, फिर मैंने भैया से बात की। हाँ, उन्हें बोला आप आ जाओ, उन्होंने वहाँ से बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, सब कुछ अच्छे से किया, सब कुछ बहुत अच्छा काम किया, मजा आ गया गाड़ी देख। मतलब आपका हरिद्वार से दिल्ली आना 200 किलोमीटर वर्थ रहा? बिल्कुल वर्थ था, एकदम मजा आ गया। कोई चीज ऐसी कमी पेशी रही हो जो? कुछ नहीं हुई। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि बाहर काम कराओ तार वार कट जाती है, आपके सामने काम हुआ है आपने देखा है? नहीं कटा ना, एक सिंगल तार नहीं कटा आपका। और पूरा आपका इंटीरियर भी एकदम मतलब बढ़िया सा बना है। सीट कवर की फिटिंग वगैरह कैसी लग रही है आपको? कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा प्राइस बताओ, प्राइस कैसे लगे आपको यहाँ पे? प्राइस भैया बिल्कुल जेन्युइन प्राइस है, बहुत अच्छे प्राइस है। प्राइस में कोई कमी? डिस्काउंट भी दिया, गिफ्ट दे दिए एकदम। हाँ, जैसे ये सारी लाइट जितनी व्हाइट हुई है, आपकी नंबर प्लेट की लाइट भी व्हाइट कर दी है। हाँ, वो सब कुछ व्हाइट कर दिया वो सब। और ये जो आपको DRL बनवाने का प्लान था, ये पहले से था? अच्छा, हमें पहले कंपनी में पता करा, 50,000 का खर्चा बताया। अच्छा, तो भैया ने कहा कि इतना क्यों खर्च करना, अपने थोड़े पैसे लगाओ, हम यही बना देंगे सेम वही चीज। और उसकी आपको गारंटी भी मिल रही है? साल की गारंटी मिल गया हमें, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं। और वैसे गारंटी एक साल की, अगर उसके बाद वैसे भगवान ना करे कुछ हो तो आपके यहाँ सुनवाई हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, थैंक यू, आप दोनों भाइयों ने बढ़िया बता दिया, थैंक यू। तो देख लो भाई, जो ओनर है जिन्होंने गाड़ी में काम कराया, उनका कुछ फीडबैक इस टाइप का रहने वाला है। तो बढ़िया है भाई, सबसे बेस्ट काम जेन्युइन बता रहा हूँ मैं। ये चीज जो है ना, ये DRL वाली, रियलिटी में ये बहुत तगड़ा काम हुआ है इस गाड़ी के अंदर। मतलब रियलिटी में ये चीज़ बहुत तगड़ी लग रही है, इस पर सोनेट की ना लुक बड़ी हैवी आ रही है। तो ठीक है, अगर किसी को भी काम कराया तो हाईली रिकमेंडेड, आप लोग विजिट कर सकते हो सुभाष कार स्टूडियो पे। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।